सो हेलो एवरीवन, और ये है आसुस का H110MCS। तो इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ कि इस बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर देखा गया है। अगर रैम सपोर्ट आपका ना करे कंटिन्यूसली, अगर दोनों स्लॉट पे ही, जिस स्लॉट पे भी रैम लगाओ तो कंटिन्यूसली क्या है, बीप करता है, ठीक है, जो रैम का एरर आता है। तो आपका बेसिकली देखो, ये वीडियो मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, पहले भी बहुत सारा ऐसा केसेस आया था इस आसुस का बोर्ड का 110 में। तो आज सोचा एक वीडियो डाल दूँ, मैं देख रहा था इसके ऊपर एक वीडियो भी नहीं डाला था, तो डाल दूँ, बहुत सारे लोगों को काम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका जो डिबग कार्ड है ये तो काम यहाँ पर करेगा LPC पोर्ट पर। तो LPC पोर्ट लगा देते हैं और एक फैन लगा देते हैं। छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ, ये अगर फॉलो करोगे तो जब तक ये बोर्ड रहेगा मार्केट में और जब तक आपके पास आएगा, तब तक जो है आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो। तो देखो ये पावर दिया और फ्रंट पैनल इधर है, मैं ट्रिगर देता हूँ बोर्ड को, ये ऑफ हो गया, एक बजर लगा देता हूँ ताकि समझ में आएगा कहाँ गया बजर का जो पोर्ट होता है यहाँ पर। ये जो रैम का एरर अभी बीप आप सुन रहे हो, और कोड आएगा 53 51 E0, ऐसा कुछ कुछ भी कोड आ सकता है आपका डिबग कार्ड में। वो डिपेंड करता है आप कौन सा डिबग कार्ड यूज़ करते हो, या फिर डिबग कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बजर से भी आप समझ सकते हो कि ये रैम का एरर बीप है। ये सबको पता होता है कि रैम का एरर भी ऐसा है, कंटिन्यूसली होता रहता है बोर्ड में। और डिबग कार्ड है तो कोड आपका ये अभी आ रहा है E5, तो लाइक आपका 53 आ सकता है, 51 आ सकता है, E0 आ सकता है, मतलब रैम एरर का बहुत सारा कोड है वो आ सकता है आपके डिबग कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा अगर आए तो देखो, बेसिकली अभी मैंने रैम इस पर नहीं लगाया, ठीक है, तो अभी देखो रैम नहीं लगाया, तो ऐसा सेम कंडीशन आपका बोर्ड में इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे जो भी यहाँ पर रैम डालो, पर सेम बोर्ड आपका ऐसे कोड के साथ ही चलेगा। तो अभी जो है प्रॉब्लम मैंने फिक्स कर दिया है और सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो देखो फिर से और एक बार देख लो, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, नहीं तो लॉन्ग नहीं होगा वीडियो। तो ये ऐसे चलेगा बोर्ड और रैम पे आके अटक जाएगा, चाहे आप जो भी रैम इसमें डालो। तो अभी रैम में लगा के एक बार दिखाता हूँ, इसका जो बोर्ड के साथ ये J1 का रैम था, ये अभी रैम डाल रहा हूँ मैं। तो अभी जो है देखो, रैम का एरर बहुत सारा रीजन से होता है, पर इस बोर्ड में खास रीजन से होता है, वही बस बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर उससे आपका नहीं हो रहा है तो फिर आपको टेस्ट आउट करना पड़ेगा, इसका रैम का जो पिन का जो डेटा शीट है वो आपको मैनेज करना है। ना मिले तो मैं मुझे टेलीग्राम करना, मैं दे दूंगा, क्योंकि आपके केसेस में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आसुस का जो 110 है उसमें ये सेम प्रॉब्लम पाया गया है, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या है, ये 7F दिखा रहा है कुछ, डिस्प्ले है कि नहीं मैं एक बार खुद ही देख लेता हूँ, कीबोर्ड पे देख लेता हूँ एक बार। तो ये कीबोर्ड मैंने डाल दिया तो नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा चाय गिर गया, खाने का भी टाइम फुर्सत नहीं है मेरा, एक सेकेंड होल्ड करो, ये जो है चाय गिर गया है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया, ये देखो, होल्ड करो। तो देखो अभी 7F कोड पर ही वैसे ही चल रहा है, तो एक बार मैं सिंपली इसको रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ, और नहीं हुआ तो ये देखो अभी जो है ये सेम कंडीशन पे बोर्ड आया है, ठीक है। ये देखो रैम अभी मैंने डाल के रखा है, और अब देखो E5 कोड है, ठीक है। तो ऐसा अगर रैम का एरर है आपके बोर्ड में, तो अभी देखो मैंने
मैं जब रैम लगाया था थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टूजा से क्लीन किया तो हुआ, तो अभी शोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो रैम लगा हुआ है पर रैम का एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, रैम का डेटा शीट आपको चाहिए, और रैम का डेटा शीट अगर मिल जाए तो आप टेस्ट आउट करो। ये DDR4 का रैम है, इसका टोटल 288 पिन है। तो देखो ज़्यादातर इस बोर्ड में कौन सा वाला प्रॉब्लम आता है, इसका जो SPD VDD जो पिन है वो पिन में वोल्टेज जनरेट नहीं होता है, और वो वोल्टेज कहाँ से जनरेट होता है मैं बताता हूँ। देखो ये यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये वाला एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ अगर आपका ड्राई सोल्ड है या फिर कट चुका है फ्यूज़, मतलब वैल्यू इसका कम हो चुका है, तो फिर आपका ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जो भी रैम लगाओगे रैम का हीरो रहेगा, आप चाहे स्लॉट को जितना ही क्लीन करो रैम चेंज कर लो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान से देख लो, अगर आसूस का जो ये मॉडल का अगर बोर्ड आए 110MCS, तो ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ अगर आपका बोर्ड में ख़राब हो जाए तो आपका रैम इरोर हो जाएगा। और ये फ्यूज़ कनेक्टेड है पिन नंबर 284 से, ठीक है, जो कि DDR4 का VDD SPD जनरेट करता है। तो अभी देखो रैम का मैं दिखा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें बेसिकली। तो आप चाहो तो बाईपास करो या फिर एक कहीं से भी उठा के सेम वैल्यू का एक फ्यूज़ लगा दो, सेम ही होता है लगभग लगभग सारा बोर्ड में आपको मिल जाएगा। तो अभी क्या है, ये CPU डाल के मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ऑन कर दिया, और अभी मल्टीमीटर पे हम जाएंगे तो ये देखो बीप करना चालू हो गया। तो अभी देखो इसका ये फ्यूज़ का इस साइड में वोल्टेज 3.2 है, पर इस साइड में वोल्टेज का कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, 3.03, अच्छा 3.3 है पर इस साइड में कम है, ठीक है, जो कि हमें 3.2 मिल रहा है। तो ये अगर 3.3 जब तक नहीं आएगा तब ये VDD SPD काम नहीं करेगा। तो अभी मैं सिंपली जो प्रॉब्लम हुआ है बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हुआ है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन किया तो फिक्स हो गया था प्रॉब्लम, पर फिर से ये जनरेट हो गया तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप भी देख पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। और फिर से और एक बार चला लेता हूँ तो देखता हूँ अभी रैम सपोर्ट करता है कि नहीं, देखते। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने ट्वीज़र लगा के थोड़ा सा ट्वीज़र लगा के यहाँ पर इधर उधर किया तो जो रास्ट था वो ठीक हो गया, अभी रैम ले लेगा। देखो तो पहले भी जब रैम एक बार लगाया था हम ले नहीं रहा था, पर अभी हम रिसोल्ड करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि रिसोल्ड ये मेरे ख्याल से ये ड्राई सोल्ड हो चुका है तो रिसोल्ड करने से हो जाएगा, अगर नहीं होता है देखेंगे तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये सॉल्व नहीं हुआ है तो हम रिसोल्ड कर लेते हैं, सॉल्व नहीं हुआ है। पर ये जो रैम है ये जेन्युइन रैम है, ये ख़राब नहीं है, ये यहाँ पर रखता हूँ JON का रैम है, इससे ही डिस्प्ले आएगा। तो देखो अभी मैं प्रॉपरली से एक बार शोल्डरिंग कर लूँगा, अगर हो जाता है तो सही, नहीं तो इसे चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली शोल्डरिंग करने के लिए मुझे प्रॉपरली आयरन यूज़ करना पड़ेगा इसका बिट चेंज करके, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत छोटा है तो बिट भी हमने चेंज कर दिया, एकदम नुकीला सा बिट लगा दिया। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ड्राई सोल्ड जो है इसको करेंगे, हो गया था इसको रिसोल्ड करेंगे, ठीक है, और देखेंगे रिसोल्ड करने के बाद कुछ चेंजेस है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो इसको ही बदल देंगे। तो मैं पास से दिखा दूंगा, पहले मैं खुद तो कर लूं ये वाला प्रोडक्ट, अगर आपका ड्राई सोल्ड हो जाए ये फ्यूज़ तो आपका रैम का एरर आएगा। हालांकि आपका बोर्ड अगर आए आपके पास तो कुछ और रीज़न हो सकता है रैम का, पर यहाँ पर आप ज़रूर एक बार ध्यान दिया करें क्योंकि ये फ्यूज़ के वजह से इस बोर्ड में रैम का एरर आता है, ठीक है। ज़्यादातर मेरे हाथ से ये लगभग 20 से ज़्यादा बोर्ड आया है सेम प्रॉब्लम के साथ, पर सेम ये फ्यूज़ का ही प्रॉब्लम था,
मुझे और कुछ नहीं मिला, तो फिर उसका ही प्रॉब्लम मिला था। चलो एक बार देख लेते हैं, मैंने तो इसको रिसोल्ट किया है और इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करके एक बार देखूंगा कि काम बना है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो वीडियो पॉज करके एक ढूंढ लूँगा फ्यूज़ बोर्ड से, फिर लगा लूँगा। तो देखो पास से देख लो, ये है वो फ्यूज़, ये है, ठीक है। ये वाला फ्यूज़ अगर आपका ख़राब हो तो ज़्यादातर इस बोर्ड में इसके वजह से ही रैम का एरर आता है, दोनों स्लॉट ही काम नहीं करेगा। ये फ्यूज़ अगर कट चुका है या फिर डाइसोल्ड हो चुका है तो चलो इस बार एक बार देख लेते हैं और काम बना कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं बना तो चेंज करेंगे, ठीक है। तो यही रैम लगाएंगे जो था और इसी स्लॉट पे, दोनों स्लॉट पे ही चेक करेंगे, क्योंकि फ्यूज़ ठीक हो गया तो दोनों स्लॉट ही काम करेगा, ठीक है। तो डिबग कार्ड भी मैं लगा लेता हूँ प्रॉपरली और फैन भी डाल देता हूँ, तो देखता हूँ अभी सॉल्व हुआ कि नहीं। तो बजट तो ऑलरेडी है तो देखते हैं, टिगर देते हैं, ठीक है। टिगर दिया, एक बार चल के ऑफ हो गया, ठीक है, देखते सॉल्व हो गया बोर्ड। देखो अभी देखो ये जो रैम का एरर, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डी रैम दिखा रहा है पर ये ले लेगा, ये देखो ले लिया, ये डिस्प्ले आ गया, बिप दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों स्लॉट ही काम करेगा इसका। अभी तो दिखाता हूँ, बोर्ड को मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि आप लोगों को डिबग कार्ड दिखे, ठीक है। ये देखो अभी A2 आया है, डिस्प्ले इसका आ चुका है और कीबोर्ड पे चाहो तो आप एक बार देख सकते हो, और देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्ले का कोई इशू नहीं था, बस रैम ही सपोर्ट नहीं कर रहा था इस बोर्ड में। तो ये देखो डिस्प्ले भी इसका जनरेट हो गया है, मतलब आ गया है, आया नहीं डिस्प्ले, आया नहीं कीबोर्ड पे। एक सेकेंड, कभी कभार होता है कि प्रॉब्लम होता है, हाँ आ गया। तो इस बोर्ड में, इस पोर्ट में प्रॉब्लम है शायद, ये देखो इस पोर्ट से आ गया। तो अभी दूसरा स्लॉट पे लगाएंगे, खास खास के मेरा वीडियो का सत्यानाश बना रहा है घर पे, क्या करें। तो देखो स्लॉट चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे स्लॉट पे लगाता हूँ और वही रैम लगाता हूँ, देखते हैं इस स्लॉट में भी काम करता है कि नहीं। तो ये दूसरा स्लॉट लगा दिया और लो ये ट्रिगर कर दिया, तो एक बार चल के ऑफ होता है, ये देखो अभी देखने को मिलेगा। ये देखो जो रैम का एरो था गायब हो गया, तो मतलब रिसोल्ड करने से ही हो गया, हमको कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो देखो बीप दिया, डिस्प्ले डेफिनेटली आ चुका है, TFT पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको बस समझना है और आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपको अगर पता ही नहीं है कि क्यों होता है, आपका रैम स्लॉट का वोल्टेज पता नहीं है, डेटा शीट आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे आप, इधर उधर हीट करोगे, रैम स्लॉट हटा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पॉसिबल हुआ तो आपके पास गैलियम है तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। CPU हटा दोगे, कोर IC चेंज कर दोगे पर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आपको अगर पता है कि हाँ भाई इसका SPDVDD मिसिंग है और कौन सा कंपोनेंट के थ्रू ये जाता है, ये अगर आपको पता हो गया, मगर ये अगर आपको पता चल गया और पता है, तो फिर आप 2 मिनट में ये बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप इजिली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो इधर उधर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली बोर्ड तो सॉल्व नहीं होगा बल्कि बिगड़ जाएगा या फिर डेड भी हो सकता है आपके हाथ से। तो जब भी काम करो मतलब प्रॉपरली करो और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो, क्योंकि थियोरीज के ऊपर काम होता है, हर वक्त YouTube देख के सब काम नहीं होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू ऑल, जय हिंद।